नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस बार जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये एक्टिव से पैसिव के लिए है। और यूँ मान सकते हैं कि ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव टू पैसिव है। एंड इसमें जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं, ये सभी अलग अलग नियम से लिए गए हैं। तो एक बार इनको आप देख लीजिए, उसके बाद हम इनको हल करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छे से देख लिया होगा। लीजिए, पहला सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। पहला सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि हम उसमें फाइंड आउट करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और भी उसमें अदर एलिमेंट अगर दिए गए हैं तो उनको पहचानेंगे क्या है। तो यहाँ पर कैन दिया गया है, कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल बन के आता है कि दिए गए एक्टिवाइज सेंटेंस में यदि कोई मॉडल वर्ब हो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, तो हम जब इसको पैसिव वाइज करें तो मॉडल वर्ब को उसी स्थान पर रखा जाता है तथा मॉडल वर्ब के बाद में बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब को उसी स्थान पर रखना है, उसके बाद में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट है, आई एम टू बाय ए कार। अब यहाँ पर देखिए, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टू बाय ये है टू इन्फिनिटिव, ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, बाय यहाँ पर मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए कार को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर, आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ये टू जो है ये टू इन्फिनिटिव है। टू इन्फिनिटिव क्या होता है, टू इन्फिनिटिव होता है कि टू के जस्ट बाद में यदि कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो जो टू रहता है वो टू इन्फिनिटिव कहलाता है। तो हमारा रूल यहाँ पर है कि दिए गए एक्टिव वाइज सेंटेंस में यदि टू इन्फिनिटिव हो तो जैसा हमने मॉडल वर्ब वाले एक्टिव वाइज सेंटेंस में किया था वैसा ही टू इन्फिनिटिव वाले में करते हैं। नियम होगा कि पैसिव वॉइस करते समय टू को उसी स्थान पर रखा जाता है तथा उसके बाद में बी का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आते हैं, तो ए कार, अब ए कार के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि यहाँ आई के साथ में क्या था, एम था। तो ए कार इज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट बाय मी। दोनों के लिए रूल क्या हुआ है, दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो तो पैसिव वॉइस करते समय उसको उसी स्थान पर तथा उसके बाद में बी, ऐसा का ऐसा ही दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में भी टू दिया गया है, यदि टू दिया गया है तो उसको उसी स्थान पर रखते हैं तथा उसके बाद में बी लगाते हैं। नेक्स्ट है, बाय सम वूल्स। अब इसमें देखिए, बाय मतलब खरीदना, तो ये वर्ब हो गई, सम वूल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में देखिए, आप सब्जेक्ट नहीं है, तो दिया गया एक्टिव वाइज सेंटेंस ऐसा हो कि जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, वर्ब से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दिया गया एक्टिव वाइज सेंटेंस यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस हो तो जब हम उसको एक्टिव से पैसिव करें तो हम उसमें प्रयोग करते हैं लेट का, एल ई टी, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सम वुल्स, ये सब्जेक्ट था, लेट सम वुल्स बी बॉट थर्ड फॉर्म बी ओ यू जी एस टी। तो नियम क्या है कि दिया गया एक्टिव वाइज सेंटेंस यदि कोई इम्परेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव करें तो एल ई टी लेट से उसकी शुरुआत करेंगे तथा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे तो उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा। फोर्थ है, यू प्लीज मी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, प्लीज़ मतलब खुश होना या खुश करना, आनंदित करना, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, मी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लीज्ड, बाय यू होगा, लेकिन बाय यू नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई एम प्लीज्ड
विद यू. क्यों? क्योंकि प्लीज एक वर्ब ऐसी है जो उसके साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन लेके चलती है, इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा, तो हमारा ये सही रहेगा. लास्ट वाला है आई न्यू हिम, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हिम का क्या हो जाएगा? ही. नो न्यू नॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिवाइज सेंटेंस हो तो इसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो होती है वाज और वर. तो क्या होगा? ही वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉन बाय मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बाय मी ना होते हुए यहाँ पर होगा टू मी. ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन एक ऐसी वर्ब है कि जो हमेशा उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है, तो हमारा आंसर ये सही रहेगा. तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव से पैसिव के लिए था. इसी प्रकार के और भी ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए हम सभी ग्रामेटिकल पोर्शन के वीडियो आपके लिए अच्छे से तैयार करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब